हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि आप बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्टिवेशन एनर्जी को न केवल डिफाइन कर पाएंगे, बल्कि आप उसे अंदर से भी, आपके अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें सबसे नीचे की तरफ ध्यान देना है। नीचे की तरफ क्या ध्यान देना है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है और ये बी सी, ये एक लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है और मैंने इन्हें टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, रिएक्शन करवाना है तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब को एक हमें मिलाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों जो टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड भरे हुए हैं, इन्हें हमें एक बीकर में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बीकर में पलट दिया। तो अब ये A प्लस बी प्लस सी, ये दोनों तीनों आपस में मिल गए, लेकिन कितना मिल गए, बहुत ही कम मात्रा में। सपोज कीजिए इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, इस लिक्विड का, इन दोनों का जो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब रिएक्शन होने के लिए इन्हें चाहिए 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इस इनके अंदर जो, इस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही कम एक्टिव है, मतलब जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। और इसी प्रकार से इस टेस्ट ट्यूब में भी जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर कम है तो आप ऐसे में आप क्या करते हैं, ऐसे में आप लोग हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं, उष्मा देते हैं। और जब उष्मा देंगे, हीटिंग देंगे, तो क्या होगा, वो तीनों की तीनों आपस में यहाँ पर मिक्स तो हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तीनों की तीनों जो है यहाँ पर ए बी सी, ये तीनों की तीनों आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, अब ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब में आपने जो लिक्विड लिया था, मिक्स होने के बाद ये दोनों करेंगे, ये तीनों करेंगे कोलिजन। अब सपोज कीजिए कि आपने 25 डिग्री सेल्सियस इनका पहले से ही था। अब सपोज कीजिए कि जिस समय ये कोलिजन कर रहे थे, आपने जो टेम्परेचर को नोट किया वो है 80 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे दोस्तों, 80 डिग्री सेल्सियस पर ये सभी के सभी जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय हो रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आपस में मिल चुके, अब इन्हें प्रोडक्ट, अब देखिए क्या होगा कि आपने जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट कर दिया, तो अब ये आप सारी की सारी, मतलब कि 80 डिग्री सेल्सियस इस समय इसका टेम्परेचर हमने नोट किया कि ये एक्टिव हो चुके हैं। अब एक्टिव होने के बाद अब ये प्रोडक्ट में चेंज हुए। ठीक है, अब यहां पर ये प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो प्यारे दोस्तों, अब 80 में से आप माइनस कीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो बचेगा कितना, 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये 55 डिग्री सेल्सियस है क्या, ये जो आपको 55 डिग्री सेल्सियस आया ये क्या है दोस्तों, ये है थ्रीसोल्ड एनर्जी, जो कि रिक्वायरमेंट थी इस रिएक्शंस को होने के लिए। थ्रीसोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो कि अब यहाँ पर इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, जिस पर बहुत ही कम मॉलिक्यूल एक्टिव थे, लेकिन जैसे ही हमने इसका 55 डिग्री सेल्सियस और ऐड किया, सपोज कीजिए आपने इसे हीट किया, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तब ऐसा करने के बाद, इंक्रीज होने के बाद, जो सारी की सारी जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है सभी एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए मतलब कि वो जो एक्टिव हुए वो किसकी वजह से हुए, वो थ्रीसोल्ड एनर्जी, मतलब कि वो थ्रीसोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करती है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए एक निश्चित एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसे हम बोलते हैं थ्रीसोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर जो 55 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू आई वो क्या है, थ्रीसोल्ड एनर्जी है। और थ्रीसोल्ड एनर्जी जो होती है वो एनर्जी की वह निश्चित मात्रा होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना, जैसे प्राइमरी अल्कोहल को आपने देखा होगा, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में आपने आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, आई थिंक हाँ, अल्कोहल का जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर में आपको आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें आप पढ़ोगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसे हम जब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो एल्किल हैलाइड का प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता, लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं तो प्यारे दोस्तों वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जल्द ही दे देता है। तो इससे क्या हुआ कि उसको थ्रीसोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि पा लेता है, और सभी मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं और एकदम से एल्काइल हैलाइड का वहां पर वो वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे हम बात करें कि रिएक्टेंट की अधिकतर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पर थ्रीसोल्ड एनर्जी की तुलना में अत्यधिक कम होती है। देखिए, अभी मैं यहां पर नोट्स में से पढ़ के आपको बता रहा हूं कि जो रिएक्टेंट्स की अधिकतर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, रिएक्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया ए प्लस बी सी, ये इधर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट,
तो रिएक्टेंट की जो अधिकतर मोलों की जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी रूम टेम्परेचर पर थ्रेशोल्ड एनर्जी की तुलना में अत्यधिक कम होती है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कम होती है तभी तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी की आवश्यकता हुई, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर हमने 55 डिग्री सेल्सियस दिया, तो कम तो है ही क्योंकि यहाँ 25 है और 25 और 55 में डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेल्सियस काइनेटिक एनर्जी कम होती है किसकी तुलना में, थ्रेशोल्ड एनर्जी की तुलना में। तो दोस्तों थ्रेशोल्ड एनर्जी तथा एक्टिवेशन एनर्जी तथा मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी पासिड ऑफ मोल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्राप्त करके प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं, वह आवश्यक एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि वह आवश्यक एनर्जी जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करके प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह एनर्जी जो कि इनएक्टिव मॉलिक्यूल को, देखिए दोस्तों इसमें जो रिएक्टेंट होता है इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो एक्टिव होते हैं और एक इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों वह एनर्जी जो कि इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, और इसे हमेशा ईए से डिनोट करते हैं। तो एक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं दोस्तों वही प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो प्यारे दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमने 25 डिग्री सेल्सियस हमने जो एनर्जी दी 55 डिग्री सेल्सियस जो हमने यहाँ पर हमने जो एनर्जी दी उष्मा दी हीट दी उससे क्या होगी, सभी मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के बाद ये चेंज हो गए प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने अभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताई आपको, अब थोड़ा सा इसका करेक्टर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नोट करना हो, वैसे तो ये एक समझाने का एक मेथड है, अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम सीखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं, आप एक बेसिक नॉलेज समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब मतलब कि यहाँ पर जो ईए है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे हम डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या कह सकता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिव मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच कोलिजन होगा, टक्कर होगा, टक्कर होने से वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स भी एक्टिव हो जाएंगे। इस चीज को आप बीएससी थर्ड ईयर में फिर से दोहराओगे फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अच्छा और बेटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं हो सकते, जबकि सर्वप्रथम ये आवश्यक एनर्जी प्राप्त करने के लिए एक्टिव होते हैं जिससे कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो इसका होता है वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होना या टक्कर होना आवश्यक है। देखिए जैसे आप वाटर को बॉइल करते हो तो धीरे धीरे जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हिलने लगते हैं, पूरे मतलब उबलने लगता है। उबलने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और एक दूसरे से जब वो टकराएंगे तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हायर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो सभी टाइप के कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, जबकि केवल वे मॉलिक्यूल जिनके पास आवश्यक एनर्जी जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है तथा आपस में कोलिजन करने के द्वारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं तथा उनके पश्चात एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है। और अब ये रिएक्टेंट आपस में, जैसे यहाँ पर ए और बी सी लिख रहा हूँ, ए और बी सी, ठीक है। अब ये यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्या है, ए और बी सी क्या है, ये इस समय रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, अभिकारक जो कि रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो देखिए ये रिएक्टेंट की सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना देते, सबसे पहले ये तीनों का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको। ये क्या है, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सक्रिय
कॉम्प्लेक्स, जटिल, जिसे हम बोलते हैं जटिलता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये रिएक्टेंट है, ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद चेंज होता है प्रोडक्ट में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं AP प्लस C। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे जो एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक है। और दोस्तों फाइनली क्या होता है, फाइनली जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तुलना में सबसे कम होती है। तो यह ट्रांजिशन स्टेट तथा अपनी एनर्जी को प्रोडक्ट की ओर रिएक्टेंट की ओर ट्रांजिशन करके कम कर लेता है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, ये जो इस समय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, कि इसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तुलना में सबसे अधिक होती है, मतलब इन दोनों की कंपेयर में अधिक होती है। इस समय जो भी इसकी एनर्जी है और इस समय जो भी इसकी एनर्जी है, इन दोनों की कंपेयर में इस जो बीच वाला जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो कि प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है, इसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होती है, इन दोनों से ज्यादा होती है। तो यह ट्रांजिशन स्टेट अपनी एनर्जी को प्रोडक्ट की ओर या फिर रिएक्टेंट की ओर ट्रांजिशन करके कम कर लेता है। लास्ट फाइनली क्या होता है दोस्तों, फाइनली क्या होता है, जैसे हमारे पास इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो देखिए बहुत ज्यादा एनर्जी जिसके पास होती है वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल कौन, स्टेबल मॉलिक्यूल कब होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल या एटम तभी होते हैं जब वो अपनी एनर्जी को लूज कर लेते हैं, और लूज करने के बाद तब जाकर के वो स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब की हुई है, तो ये कैसे अपने, मतलब कि ये स्टेबल कैसे होगा, सबसे या तो ये रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी हीट दे दे, या फिर प्रोडक्ट को इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या करता है, या तो रिएक्टेंट को एनर्जी दे देता है और या प्रोडक्ट को दे देता है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, तीन कॉन्सेप्ट, उसी के बेस पर इस प्रकार का हमारे सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकल कर के आता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे मैंने वीडियो को पॉज करके बनाया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये है, ये लाइन जो है एनर्जी को दिखा रही है, और ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी सी ये प्रोडक्ट को दिखा रहा है, और ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ई ए का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ई ए किसे डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वल टू किसे, ई टू माइनस ई वन से, ठीक है। अब ई टू माइनस ई वन, यहाँ पर जो ई ए है लास्ट में, फाइनली में क्या मिलता है, जो पी मतलब होता है प्रोडक्ट, और आर मतलब होता है रिएक्टेंट, मतलब कि जो एनर्जी प्रोडक्ट में आई और उससे पहले जो एनर्जी रिएक्टेंट में, उसमें माइनस करके हमारे पास ई ए की वैल्यू आ जाती है। ई ए वैल्यू क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो प्यारे दोस्तों यहां पर क्या होगा, ये जैसे ये जो स्टेट आपको दिखाई दे रही है यहां पर, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये पूरी की पूरी स्टेट है, और यही एनर्जी बैरियर होता है, इसी को क्रॉस करके मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ए बी सी, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है सर, जो मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया था, वो यही कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद, और यहां पर बनता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है, यहां से जो स्टार्ट होती है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ए प्लस बी सी, जो कि मैंने आपको रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बता दिया था। अगर नहीं आपको ध्यान आ रहा है तो वीडियो को पीछे की तरफ ले जाकर के पहले देख लें, फिर उसके बाद यहां पर आकर के समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें फाइनली ई ए बराबर जो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, इसे हम डेल्टा, यहां पर जो हम बोल सकते हैं कि ई ए इज इक्वल टू डेल्टा ई, ई ए इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई जो है होता है वो अंतर के लिए लगाया जाता है, ठीक है। डेल्टा का यूज हमेशा अंतर के लिए, वो भी सूक्ष्म गैप, मतलब कम अंतर के लिए। तो यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन मैंने आपको दिखा दिया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप नोट कर लेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th प्लस 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।